हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका नंबर सिस्टम का एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, नंबर ऑफ जीरोस। बहुत बार इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज इस सेशन में हम कंप्लीट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर चीज के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये समझना जरूरी है कि नंबर ऑफ जीरोस होता क्या है। आपका नंबर ऑफ जीरोस है क्या? देखो, जैसे अगर मैं एक नंबर लिखूं 2357028000, अब कोई भी एक नंबर है, सपोज जैसे एक नंबर मैंने लिखा और अब आपसे पूछा जाए कि बताओ उसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या है, तो नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है कि किसी भी एक्सप्रेशन के लास्ट में कितने जीरो हैं, बीच वाले जीरो का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये समझे कि नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है कि किसी भी एक्सप्रेशन के लास्ट में कितने जीरो हैं, उससे पहले कितने जीरो हैं, बीच में कितने जीरो हैं, उसका कोई यूज नहीं होता, सिर्फ हमें लास्ट में जीरो काउंट करने हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, अगर 25 इंटू 4 करें तो ये किसके इक्वल होता है? 100 के इक्वल होता है। जब आपने 25 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो यहां पे देखो कितने जीरो हैं लास्ट में, 2 जीरो हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूं कि 25 इंटू 8 ये कितना होगा आपका? 200 होगा। तो यहां भी देखो लास्ट में कितने जीरो हैं? 2 जीरो। तो यहां भी नंबर ऑफ जीरोस 2 थे, यहां भी नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं, यहां सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस 3 थे। तो ये नंबर ऑफ जीरोस बनते कैसे हैं, कब हमें पता चलता है कि कब कितने जीरो होंगे, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखिए, नंबर ऑफ जीरोस के लिए जैसे हमारे पास ये क्या है, 25 को आप क्या लिख सकते हो? 5 into 5। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 2। देखो 5 और 2 का एक पेयर तो ये बना और एक पेयर ये बना, तो 5 और किसी भी एक्सप्रेशन में 5 और 2 के जितने पेयर होंगे नंबर ऑफ जीरोस उसी पे डिपेंड करेंगे। अगर 5 into 2 एक बार आया है तो एक जीरो होगा, दो बार आए हैं तो दो जीरो बन जाएंगे, तीन है तो तीन, चार बार आया है तो चार बार, और पांच बार आया है तो पांच बार। तो नंबर ऑफ जीरोस किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करता है कि आपके उस गिवन एक्सप्रेशन में 5 into 2 कितने टाइम्स आया है, 5 × 2 कितनी बार आया है। ठीक है, जैसे देखो 25 इसको हम लिख सकते हैं 5 raised to power 2, और 8 क्या है? 2 raised to power 3। मतलब यहां 5 दो बार आया था और 2 3 बार आया था, तो पेयर किसके अकॉर्डिंग बनेंगे? जो कम बार था, जो 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो पेयर कितने बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हैं? 2 है। आई होप ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को। देखो छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करें, क्वेश्चन किस तरीके से आना शुरू होता है। 23 फैक्टोरियल, इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 23 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? सबसे पहले तो आप ये समझो कि 23 फैक्टोरियल क्या है। तो ये है 1 into 2 into 3 into 4 into 5 up to 23। किसी भी नंबर के फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 1 से लेकर उस नंबर तक जितने भी वैल्यूज आती हैं सभी को मल्टीप्लाई करना। जैसे 1 से लेकर 23 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन अप टू 23, इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अब इस एक्सप्रेशन में हमें यह चेक करना है कि 5 कितने टाइम्स आया और 2 कितने टाइम्स आया। तो अब एक चीज ध्यान से देखो, यहां से अगर हम बात करें कि जो 5 के मल्टीपल, जो 2 के मल्टीपल है, वो तो आपको हर एक अल्टरनेट नंबर पे मिलेंगे। जो 2 के मल्टीपल है वो हर अल्टरनेट नंबर पे मिलेंगे, और 5 के मल्टीपल कहां कहां मिलेंगे? 5 में होगा, उसके बाद 10 में होगा, 15 में होगा और 20 में होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 5 के मल्टीपल हैं वो कम है एज कंपेयर टू 2, जो 5 के मल्टीपल हैं वो कम है एज कंपेयर टू 2। तो हम काउंट किसको करेंगे? हम उसको काउंट करेंगे जो कम है, और कम क्या है? 5 के मल्टीपल। तो देखो यहां 5 कितने टाइम्स था? 1, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। तो यहां 5 के कितने मल्टीपल हैं? 4 है। तो आप कह सकते हो कि यहां 5 raised to power 4 आया होगा। ठीक है, 5 raised to power 4 into, अब देखो जो 2 का केस है वो 4 से तो बड़ा ही होगा, जो 2 है वो
फोर से तो ग्रेटर ही होगा, कितना होगा हमें उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है यहां पर, ये फोर से तो प्लस ही होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस किस पे डिपेंड करते हैं, इसके ऊपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। इसको अभी और अच्छे से समझेंगे कि इसको छोटा भी कैसे कर सकते हो। एक बार बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझो पहले। 27 फैक्टोरियल, अब देखो 27 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 27 अप टू 27। तो यहां अब 27 तक 5 के मल्टीपल ढूंढते हैं। देखो कहां कहां मिलेगा, 5 में मिलेगा, उसके बाद 10, 15, 20 और 25। यहां ये 1 है, यहां भी ये 1 है, यहां भी ये 1 है, यहां 1 देखो, बट यहां कितने टाइम है, 2 टाइम, क्योंकि 25 का मतलब है 5 इंटू 5, तो 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल कितने टाइम्स हुआ, ये 6 टाइम हुआ। ठीक है, तुम कह सकते हैं कि यहाँ जो 5 की पावर है वो 6 है, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जीरोस भी कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। नंबर ऑफ जीरोस भी कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। ठीक है, अब ये तो छोटे छोटे नंबर थे, अगर यहाँ आपको दे दिया जाए कि बताओ 78 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 78 237 फैक्टोरियल, बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो यहां से एक चीज समझ आ रही है कि जैसे हमने इस क्वेश्चन में हमने इस तरीके से 5, 10, 15, 20, 25 लिख के कैलकुलेट कर लिया, अब आप लिख के कैलकुलेट नहीं कर सकते। 78 में एक बार फिर भी आप कोशिश कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बट 237 और इससे बड़ा भी नंबर आ सकता है, तो उसमें तो पॉसिबल नहीं है। अगर करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और एग्जाम में अपने पास इतना टाइम नहीं होता। देखो तो अब आपको करना क्या है, जो भी नंबर दे रखा है, अब देखो जिस भी नंबर का आपको यहां से मल्टीपल निकालना है, हम किसके मल्टीपल निकाल रहे हैं, 5 के, तो इस 78 को क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो। 78 को 5 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले किस पे डिवाइड होगा, 15 पे। 15 इंटू 5 कितना होता है, 75। फिर जो यहां नंबर आया, यहां नंबर क्या था, 15, इस 15 को दोबारा 5 से डिवाइड कर दो। अब ये किस पे डिवाइड होगा, 3 पे, तो बस इनको ऐड कर लो, 18। तो 5 की जो यहां मैक्सिमम पावर बनेगी वो 18 बनेगी, यहां 5 की जो मैक्सिमम पावर बनेगी वो 18 बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 18 होंगे। सॉरी, यहां नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 18 होंगे। ऐसे ही अगर आप 237 की बात करो और इसको अगर 5 से डिवाइड करो, देखो सबसे पहले तो ये 4 पे डिवाइड करेगा, ठीक है, फिर कितना, 3 और 37, 5 से अगर 37 को डिवाइड करेंगे दोबारा ये 7 पे डिवाइड करेगा, फिर आप 47 को दोबारा 5 से डिवाइड करो, अब किस पे डिवाइड करेगा, 9 पे, और फिर 9 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो किस पे डिवाइड करेगा, 1 पे। तो 47 प्लस 10, 57। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 237 में, 237 फैक्टोरियल में जो नंबर ऑफ जीरोज है वो आपके कितने होंगे, 57 जीरोज होंगे। चलिए जी एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1024 फैक्टोरियल, ये एज इट इज प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, 1024 फैक्टोरियल। देखो तो इसमें भी क्या करना है, 1024 को 5 से डिवाइड करें सबसे पहले, तो ये सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा, 5 इंटू 2 10, फिर 2 नहीं होगा डिवाइड, फिर 0 और फिर 4 से डिवाइड होगा। अब 204 को दोबारा 5 से डिवाइड करें, इस पे डिवाइड करेगा 40, फिर 40 को दोबारा 5 से डिवाइड करो, किस पे डिवाइड करेगा, 8, और फिर 8 को दोबारा 5 से डिवाइड करो, किस पे करेगा, 1 पे करेगा। तो 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13 कैरी 1 5 और 2। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 253 होंगे। ठीक है, 1024 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 253।
अब ये तो था कि अगर सिंगल नंबर आपके पास आ रहा है, ठीक है, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाए, 48 फैक्टोरियल इनटू 72 फैक्टोरियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, और सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए 48 फैक्टोरियल प्लस 72 फैक्टोरियल, ठीक है, या इसको उल्टा लिख लो, पहले 72 लिख लेते हैं, 72 फैक्टोरियल प्लस 48 फैक्टोरियल, या फिर माइनस का भी साइन दे दे वो, इसलिए हमने पहले बड़ा नंबर लिख लिया, ठीक है। देखो अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, सबसे पहले तो अगर 48 की बात करें, 48 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये सबसे पहले इसको 9 पे डिवाइड करेगा, फिर 9 को दोबारा 5 से डिवाइड करोगे तो 1 पे, तो यहां जो नंबर ऑफ जीरोस है वो 10 है। 48 फैक्टोरियल में जो नंबर ऑफ जीरोस है वो कितने हैं, 10। अगर यहां से अब आप 72 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये सबसे पहले 14 पे डिवाइड होगा, फिर 14 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे 2 पे होगा, तो ये कितना आ गया, 16 आ गया, कितना आ गया, 16। ये 72 फैक्टोरियल में जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो 16 है, ठीक है। अब देखो, अब मुद्दे की बात करते हैं, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये जो नंबर ऑफ जीरोस हैं ये ऐड हो जाएंगे, तो ये 10 प्लस 16, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 26 हो गए, नंबर ऑफ जीरोस हो गए 26। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब ये ऐड क्यों हुए उसका भी रीजन देख लो। जैसे अगर मैं लिखूं 2100, तो इस 2100 का मतलब क्या है, 21 into 100, तो क्या आप इसको लिख सकते थे 10 raised to power 2? जो नंबर ऑफ जीरोस है उसको 10 की पावर में लिखा जा सकता है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो बेस सेम होगा, और बेस सेम होगा तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, तो इसलिए हमने 10 और 16 को ऐड किया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 26 हो गया। और जब बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो फिर बड़े वाले को तो कंसीडर करना ही नहीं आपको, फिर हम छोटे वाले को काउंट करेंगे कि छोटे वाले में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, और इस छुटकू में 48 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 10, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, जो नंबर ऑफ जीरोस है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस को बेस 10 की फॉर्म में लिखा जाता है, और जब बेस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं, आपकी ऐड होती हैं। और जब बीच में प्लस का साइन है या माइनस का साइन है तो उस केस में हम क्या लेते हैं, स्मॉलर नंबर लेंगे, स्मॉलर नंबर के नंबर ऑफ जीरोस काउंट करेंगे, जैसे यहां 48 के नंबर ऑफ जीरोस काउंट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। आई होप ये बात क्लियर होगी। ऐसा क्यों करते हैं वो भी देख लो। अगर मैं कहूं मेरे पास एक नंबर है 150,000 सॉरी, और एक दूसरा नंबर है 2100। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो देखो लास्ट में जीरो कितने होंगे, डबल जीरो ही होंगे, और यहां ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो लास्ट में जीरो और ये 9 आ जाएगा, तो मतलब जीरो तो कितने होंगे, जो स्मॉलर नंबर में थे, जो 2100 में नंबर ऑफ जीरोस थे। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब देखो, जैसे अगर हम बात करें 2 into 4 into 6 into 8 into 10 up to 200, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 2 into 4 into 6 into 8 into 10 up to 200, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताओ क्या होंगे। देखो अक्सर इसमें सबसे पहली मिस्टेक तो बच्चे क्या करते हैं कि कॉमन ले लिया 2, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया। देखो जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो 2 कॉमन नहीं आता, क्योंकि इसमें भी वही बेस वाला ही सीन चलता है, क्योंकि देखो आप 2 को क्या लिख सकते हो, 2 raised to power 1 into 1, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 raised to power 1 into 2, 6 को लिख सकते हो 2 raised to power 1 into 3, इसको लिख सकते हो 2 raised to power 1 into 4, और ऐसे ही इसको लिख सकते हो 2 raised to power 1 into 100। और देखो सभी के बीच में साइन क्या था, मल्टीप्लाई का, तो बेस तो 2 है और पावर क्या है, 1, कितने टाइम्स, 100 टाइम्स, तो ये क्या बन जाएगा, 2 raised to power 100 आ जाएगा आपका, और अंदर क्या बचेगा, 1 into 2
इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव अप टू 100। और इसी को तो आप क्या लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो 100 फैक्टोरियल। यही क्या था आपका, 100 फैक्टोरियल। तो 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस मतलब 5 की पावर निकालनी है तो डिवाइड करो 5 से 20 पे। फिर 20 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो किस पे करेगा, 4 पे। तो मतलब यहाँ जो 5 की पावर है वो 24 होगी। अगर 5 की पावर 24 है तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा आपका, 24 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा आपका, 24 होगा। आई होप ये बात क्लियर होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, 10 इंटू 20 इंटू 30। ये आपका एज इट इज प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, अप टू 1000। देखो अब यहां से अगर कॉमन लोगे सेम लास्ट के जैसे तो 10 कॉमन आएगा, कितने टाइम्स, 100 टाइम्स। अब देखो जो मतलब जो पावर आएगी वो क्या आएगी, आप क्या करो लास्ट नंबर को उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो। तो इसको लिख सकते हो ना 10 इंटू 100, तो जो 10 रेज टू पावर 100 बनेगा, ठीक है, 10 रेज टू पावर 100 बनेगा क्योंकि सभी 10 के मल्टीपल है। तो 10 रेज टू पावर 100 और अंदर तो वही बचा आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 100 तक। और ये आपका क्या है फिर, 100 फैक्टोरियल। और 100 फैक्टोरियल में अभी हमने काउंट किया था कि 5 की पावर कितनी है, 24 है। 5 की पावर कितनी है, 24। सॉरी देखो तो मतलब यहां पे जो नंबर ऑफ जीरोस है वो 24 है। तो 100 ये भी तो नंबर ऑफ जीरोस थे क्योंकि जो 10 की पावर में है वो भी क्या है, जीरो है। तो 100 जीरोस यहां पर थी आपके पास, 24 यहां है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 124 हो जाएंगे। तो यहां से जो टोटल नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितने होंगे, 124 होंगे। आई होप ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को। चलिए जी एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 अप टू 500। ये एक एक्सेप्शन है अब थोड़ी सी, क्योंकि ये पूरा नंबर क्या है, 5 का मल्टीपल है। अब देखो जो 5 का मल्टीपल होगा उसमें तो 5 तो हर मल्टीपल में है, तो इसमें नंबर ऑफ 2 कम होंगे क्योंकि 2 आपको अल्टरनेट पे मिलेगा, 2 आपको सिर्फ अल्टरनेट पे मिलेगा, ठीक है। अगर यहां से कॉमन लेते हो, देखो 5 रेज टू पावर 100 कॉमन आता है, अंदर क्या बचेगा आपका, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 100, मतलब 100 फैक्टोरियल। और 100 फैक्टोरियल में अगर आप 5 की पावर काउंट करोगे तो 24 है। तो 100 पावर ये थी, 24 अंदर से निकाला, तो 5 की टोटल पावर कितनी होगी आपकी, 124। 5 की जो टोटल पावर है वो कितनी बन गई, 124। तो अब देखो अब एक बार 2 के लिए चेक करें। अगर 2 का चेक करते हैं, 100 को करो 2 से डिवाइड, सबसे पहले 50 पे करेगा, फिर 50 को 2 से डिवाइड किया 25, 25 को 2 से डिवाइड किया 12, 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, और 3 को 2 से डिवाइड किया 1। तो इन सब को ऐड करते हैं तो ये कितना बनता है, 97। ये 2 की जो पावर है वो 97 है। 5 की पावर क्या थी, 124, 2 की पावर क्या है, 97। तो यहाँ से अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा क्या होगा, 97 होगा। आई होप क्लियर होगा ये, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन, और ये होमवर्क है, एक बार आप लोग ट्राई करोगे, नहीं होगा तो आप बताना, नेक्स्ट क्लास में इसको जरूर डिस्कस करेंगे। नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 1 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3, 4 रेज टू पावर 4, 5 रेज टू पावर 5 अप टू 100 रेज टू पावर 100, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, आपको नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, अगर किसी कोई भी डाउट होगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या डाउट आ रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर भी आपको देंगे, और अगर नहीं सॉल्व हुआ किसी बच्चे से तो सॉल्यूशन भी इसका करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कंसेप्ट के साथ, एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।